हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइज, जो लास्ट वीकेंड रहा वो काफ़ी हेक्टिक रहा। सैटरडे में मैं कॉलेज चला गया था और क्या कहते हैं संडे का तो मैंने शूट ही नहीं किया। एक्चुअली संडे को क्या हुआ, कुछ मेरे भाई वगैरह आ गए थे बुआ जी के, तो उन्हें लैपटॉप वगैरह लेना था, तो बस पूरा दिन उसमें लग गया। और मैं रात के 12 बजे घर पर घुसा हूँ, मतलब गुड़गांव में। तो अभी क्या सीन है कि अभी निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, तो ऑफिस जा रहे हैं, रेडी वेडी हो गए। रात में सोया अभी दो बजे, 12 बजे थकने बाद नींद भी 2 बजे आई जाके। तो अभी ऑफिस जा रहे हैं, सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं। टुडे इज़ मंडे, कल होली है, कल और परसों होली है, मतलब कल 7 और 8 की होली है, बट हमारी छुट्टी सिर्फ 7 की है, तो घर भी नहीं जा सकते। कोई नहीं, अब चलते हैं ऑफिस और मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ का सबसे डिफिकल्ट टास्क रोड वॉक करना डेली। देखो ट्रैफिक रुकता ही नहीं है भाई, यहाँ पर तो लोग ब्रेक ही नहीं दबाते हैं और ट्रैफिक छाए आए जाता है। तो अभी जैसे तैसे रोड क्रॉस करता है, ये देखो ऑटो गए तो चलते ही रहते हैं, ऑटो पकड़ते हैं और चलते हैं ऑफिस। तो गाइस, हम तो ऑलमोस्ट ऑफिस पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो अपने दोस्त हो गए यश और यगेश, वो उन्हें आने में टाइम लगेगा, एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गए, तो डायरेक्ट रैपिडो करके आएंगे। तो उनसे बात हो गई है, वो आ रहे हैं, तो हम भी पहुँचते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइज यार, मुझे तो आ रही थी बहुत तेज़ नींद सीरियसली, और तो मैं अभी जा रहा हूँ बाहर एक कोल्ड कॉफ़ी लेने, क्योंकि अंदर तो कॉफ़ी बहुत बेकार मिलती है, अंदर की कॉफ़ी मुझे सूट नहीं करती, और वैसे भी हॉट कॉफ़ी है तो अंदर, तो बाहर से कोल्ड कॉफ़ी लेके आते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो गाइज़, अपनी कोल्ड कॉफ़ी उठा ली है, अभी चलते हैं अपने कैंपस के अंदर और अपना काम शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइज, क्या इधर से जा रहे हैं? अरे इधर से तो जाना है। हाँ, तो सो गाइज, अभी हमारा वो एक्चुअली लंच ब्रेक हुआ तो नहीं है, मतलब ब्रेक का टाइम हो गया तो हमने ब्रेक ले लिया। अभी जा रहे हैं कुछ खाने। और कौन सा गाना गा रहे हो अगेन भाई? कौन सा? यो मालव, क्या इसमें ऐसे क्या बात है, हम दो दोस्त गाना भी नहीं गा सकते? तुझे देखा। अच्छा, अभी पता है जब मैं कॉलेज में गया तो काफी लोग ऐसे पूछ रहे थे कि भाई आप ऑफिस और ब्लॉगिंग एक साथ कैसे मैनेज कर रहे हो, बताओ इन्हें कैसे कर रहे हैं? ऑफिस में कुछ काम तो कर नहीं रहे, ब्लॉगिंग ही हो जाए सबसे पूरी। भाई डेडिकेशन होना चाहिए अंदर से। बिल्कुल। चलो गाइस, अब कुछ खाने चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। मौसम बढ़िया हो रहा है वैसे, देख भाई, इधर सफेद, इधर नीला, इधर हरा भी है। सो गाइस, डन विद द लंच, और अभी हम जा रहे हैं वापस ऑफिस में बैठते हैं दूसरे लंच के लिए। लंच ही करते हैं हम हर टाइम। क्या खाओगे दूसरे लंच में? बिरयानी खाएंगे। अभी चलते हैं ऊपर, थोड़ा काम वाम करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइज, यहाँ पे ना हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो हम लोग आके बैठ गए हैं और यगेश भाई वो खड़े हुए हैं, थोड़ी देर हवा इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ धूप भी नहीं है, मज़े आ रहे हैं। आ जाओ यगेश, यगेश हैव अ सीट। सो गाइज, डन विद द ऑफिस, आज जल्दी निकल गए हम लोग एक्चुअली। बाकी क्या बताएं, छोड़ो पापा वगैरह क्या बताएं, आज का कैप्शन क्या रखी हो? हाँ बताओ। सुनता हुई अकेली, नहीं आए उसके दोस्त स्पेस हम कट कर देंगे। बाकी हम जा रहे हैं थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ, उसके बाद कुछ खाने पीने जाएंगे। कुछ नहीं हो रहा भाई, फिर छुट्टी डेकोरेशन लग रहा है कल के लिए, लेकिन कल तो छुट्टी है भाई। कल छुट्टी है तो कल नहीं आया? अभी क्या है ये? हाँ यार, चलो 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 गाइस, पता करते हैं प्राइवेट पार्टी कैसी पार्टी, वरना कल नहीं आ जाएंगे, क्योंकि हम होली पे घर तो जा नहीं रहे गाइस, क्योंकि छुट्टी हमारी सिर्फ 7 तारीख की है, 8 को दौड़ेंगे हैं। और यगेश भाई, आज की टाइटिंग तो बताओ गाइस को हमारे। गाइस एक टॉप सीक्रेट है, वो टॉप सीक्रेट ये है कि यश भाई आ गए हम डाइट पे। यश हाँ सॉरी यगेश भाई आ गए हम डाइट पे। सॉरी भाई, अच्छा सॉरी बोलने से डर सब तू को आता है ना? अभी तो नहीं मानी सॉरी, मैं क्यों मानूं? चलो चलो गाइस पूछते हैं। गाइस यार सैड, प्राइवेट पार्टी है और ये है ट्रू ब्लू वालों के, देख रहे हो सामने उनकी पार्टी। हमारे कॉग्निजेंट वालों ने क्यों नहीं करवाया कुछ यार? यार सैड, अब हम यहाँ भी रहे, होली पे घर भी ना जाए, 12 करोड़ के स्टाइपेंड दे रहे हैं गाइस, हमें पता है आपको ये बात? कुछ नहीं गाइस, मूड खराब हो गया, बाहर चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, अभी हम खा पी के तो आ गए हैं और फाइनली लास्ट टाइम कार्ड पंच करने जा रहे हैं फॉर अटेंडेंस, तो अभी कार्ड पंच करते हैं और फिर निकलेंगे सीधा घर। गाइस यार, फाइनली बैक टू द रूम, और
पहले मैंने सोचा था कि आके सो जाता हूँ, लेकिन याद आया सोने से ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट काम है, वो है ब्लॉग एडिट करना। वैसे तो मेरे पास 3 ब्लॉग पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन मैं पहले एडिट करूँगा अपना इपोक वाला ब्लॉग, ठीक है? तो उसे एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, फिर रेस्ट रेस्ट कर लेंगे, रेस्ट रेस्ट तो होता रहेगा। ब्लॉग एडिट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, फाइनली डन विद द एडिटिंग ऑफ व्लॉग और अपलोड भी हो गया, एज यू कैन सी। बस थोड़ा सा HD प्रोसेसिंग बाकी है, वो हो रही है, वो हो जाएगी। तो शेड्यूल कर दिया है, 8:45 का शेड्यूल करा है, तो हो जाएगा। बाकी थोड़ा टाइम तो मोस्टली इसमें लगा है मेरे को थंबनेल में। तो अभी अपलोड हो गया है, बाकी अब खाना वाना बनाते हैं चल के और मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, अभी डिनर बनाने के लिए बना रहे हैं आलू शिमला मिर्च प्याज वगैरह काट लिए, कढ़ाई चढ़ा दिए। बाकी तो अभी खाना बनाते हैं, आटा वगैरह गूंथ लेंगे और वो भी बन जाएगा, थोड़ा कचरा है बाहर फेंक देंगे। तो अभी खाना वाना बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। थोड़ा सा पानी सुखा रहा है, एक्चुअली अभी वॉश करी है, तो बस पानी था, पानी में अगर तेल डालेंगे फिर चुटर हो जाएगा। तो अभी इसे बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, अपना खाना बन के रेडी है, आलू शिमला मिर्च, बाकी अपनी चपातीस भी रेडी हैं, मैं दिखाऊँ तो चपातीस भी रेडी है। तो अभी खाते हैं, प्लेट वगैरह निकाल लेते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, डन विद द डिनर और अभी बाहर वॉक के लिए आए थे, मौसम ठंडा हो गया थोड़ा सा। बाकी छुट्टी जो मेरी 7 की थी वो 8 को हो गई है, मतलब रंग वाले दिन हो गई, होली जिस दिन मेन होली है उस दिन शिफ्ट हो गई है। तो मेरा प्लान है कल ऑफिस करके मेरठ निकल जाएंगे, इसलिए स्पेक्स भी बदल लिए, होली का टाइम है यार, वो ट्रांसपेरेंट वाला थोड़ी खराब करेंगे तो रंग अलग दिखेंगे, रंग बिरंगा हो जाएगा। तो अभी वॉक करके यहाँ से चलते हैं रूम पे और वहाँ जाके क्या एंड करें, यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मज़ा आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।